जैसा कि आप सब जानते हैं, हम काफी समय से भारत के प्राचीन मंदिर, जो कि सामान्य लोगों की नजरों से दूर हैं, उन्हें भारत के नागरिकों के सामने लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यही हमारी यात्रा हमें एक दिने अन्निगेरी नाम के एक छोटे से गांव में ले पहुंची। अन्निगेरी कर्नाटक राज्य के गदग जिले में स्थित है। आज यह जगह गुमनामी की गलियों में खो गई है, लेकिन एक समय था जब यह स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था और कल्याणी चालुक्यों की राजधानी भी रहा था। आज छुट्टी का दिन था। हमने सोचा, क्यों नहीं कुछ पुराने अनजाने मंदिरों और संरचनाओं की तलाश की जाए। हम निकल पड़े अपने रॉयल एनफील्ड लेकर। हम पहुंच गए अन्निगेरी। ये जो नजारा है, ये नजारा अन्निगेरी में स्थित एक प्राचीन स्मारक का है, जो एक समय में बहुत ही भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। इस जगह की हालत हमारे समाज का एक प्रतिबिंब है। यहाँ की हालत हमें यह बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में बातें बनाने में तो बहुत ही माहिर हैं, लेकिन जब फील्ड में काम करने की बात होती है तो हमारी असलियत कुछ और ही है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को मेरी इन बातों से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, मैं अपने दिल की बात करने के लिए आज मजबूर हो गया हूं। आज रविवार होने के कारण मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड पर कर्नाटक राज्य में कुछ कम जाने जाने वाले मंदिरों का पता लगाने के लिए बाहर निकला। मैंने पहले ही अमृतेश्वर मंदिर का दौरा कर लिया था, इसलिए मैं अपना समय कम जाने वाली कुछ जगहों को खोजने में बिताना चाहता था। अन्निगेरी क्षेत्र की बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुझे एक पुराने प्राचीन संरचना का पता चला, जो मंदिर की तरह दिख रही थी। मंदिर के दीवारें ग्रास और झाड़ियों की जड़ों के प्रवेश के कारण टूट रही थीं। मंदिर पूरी तरह से टूटी हुई हालत में था। मंदिर कॉम्प्लेक्स की स्थिति वास्तव में बहुत ही दयनीय थी। टूटती दीवारें, छत के हर गड्ढे पर भारी पौधे और दीवार के हर छिद्रों में, यह मुझे बहुत दुखी किया। हम अपनी राष्ट्रीय प्राचीन विरासत संरचनाओं के संरक्षण की उपेक्षा और उदासीनता क्यों दिखाते हैं? क्या हमारे भीतर राष्ट्रीय अस्मिता का अभाव है? हम इन संरचनाओं को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? यहां मैं आश्चर्यजनक प्राचीन विरासत संरचनाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अन्निगेरी हालांकि अब एक छोटा सा गांव है, लेकिन अतीत में इसने बेहतर दिन देखे हैं। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक परेशान किया, वह थी स्थानीय लोगों का अपने बीच की प्राचीन संरचनाओं के प्रति लापरवाह और उदासीन रवैया। स्थानीय लोगों में सहानुभूति की कमी थी और वे इन संरचनाओं के महत्व की सराहना नहीं करते थे। अतीत में यह 1080 के दौरान कल्याणी चालुक्यों का एक महत्वपूर्ण शहर था। जब हम इस मंदिर के ऊपर की छत को देखते हैं तो हम एक बहुत ही सुंदर देवों की कलाकृतियों को पाते हैं। ऊपर की तरफ तीन सुंदर चित्रण हैं और तीनों देवों को बहुत ही सुंदर तरीके से पत्थर पर उकेरा गया है। इनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शास्त्रों को दिखाया गया है। कई हजार साल बीत जाने के बाद भी ये अलंकरण आज भी बहुत सुंदर नजर आ रहा है। जब हम इस गांव में आए थे, तब इस मंदिर के विषय में यहाँ के रहने वाले लोग भी इसके विषय में नहीं जानते थे। बहुत ही मुश्किल से हम इस जगह पर पहुंचे। गूगल मैप का प्रयोग करने के बाद भी इस जगह पर पहुंच पाना या इस जगह को ढूंढ पाना आसान नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी शायद इसकी जानकारी ना हो, या फिर वह अपनी दूसरी व्यस्तता के कारण यहां पर शायद ध्यान नहीं दे पा रही है। यहीं पास में इस मंदिर के परिसर में एक बहुत बड़े और शानदार बरगद का पेड़ नजर आया। उसकी शाखाएं बहुत ही मजबूत दिख रही थी और ऊपर हरे सुंदर पेड़ के पत्ते घनी छांव दे रहे थे, बिल्कुल हमारे समाज की तरह। सब कुछ इस विशाल पेड़ के विषय में सब कुछ अच्छा और स्वस्थ नजर आ रहा था, लेकिन जब हमने इस पेड़ के पास पहुंचकर इसके अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गए। ये विशाल पेड़ अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था। इसके तने में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना हुआ था और ये पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला था, शायद हमारे समाज की तरह। वही समाज जो बातें बनाने में, नारेबाजी में तो बहुत आगे है, लेकिन अपनी प्राचीन विरासत के प्रति बिल्कुल निर्लज्ज और संवेदनहीन नजर आता है। बाहर से तो बहुत ही मजबूत और सुंदर, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला, बिल्कुल इस बरगद के पेड़ की तरह। जब हम मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुए तो हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां किसी भी देवता की मूर्तियां नहीं थीं। गर्भगृह, जिसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है, परित्यक्त प्रतीत होता है और इसका उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा शराब पीने और कचरा फेंकने जैसी बुराइयों में लिप्त होने के लिए किया जा रहा है। किसी भी धार्मिक प्रतिमा की अनुपस्थिति उल्लेखनीय थी, इसलिए हमने आसपास के क्षेत्र में किसी पुराने पत्थर के शिलालेख या मूर्ति की खोज करने का निर्णय लिया। जैसे ही हमने आसपास का पता लगाया, हमें एक सुंदर नक्काशीदार लेकिन क्षतिग्रस्त मूर्ति मिली।
जिसे हम जैन तीर्थंकर मानते थे, संभवतः ऋषभदेव या पार्श्वनाथ की। हमने खोजबीन जारी रखी और एक विशाल पत्थर की पटिया देखी, जिस पर उत्कृष्ट रूप से भगवान महावीर या अन्य जैन तीर्थंकरों में से एक की छवि थी। इस खोज ने मंदिर के इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करने में मदद की। यह संभवतः एक जैन मंदिर था, जिसके पास में एक बसदी, एक जैन मंदिर हॉल था। समय के साथ यह मंदिर अनुपयोगी हो गया और अंततः जंगली वनस्पतियों की वृद्धि ने इस पर कब्जा कर लिया, इस हद तक कि इसे जनता द्वारा भुला दिया गया। अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज बनी हुई है, जो क्षेत्र के समृद्ध और विविध इतिहास की झलक प्रदान करती है। समय के साथ यह मंदिर अनुपयोगी हो गया और अंततः जंगली वनस्पतियों की वृद्धि ने इस पर कब्जा कर लिया, इस हद तक कि इसे जनता द्वारा भुला दिया गया। अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज बनी हुई है, जो क्षेत्र के समृद्ध और विविध इतिहास की झलक प्रदान करती है। यह मंदिर, जो कभी पूजा का एक प्रतिष्ठित स्थान था, अब अपने पूर्व गौरव के बिल्कुल विपरीत खड़ा है, जो समय बीतने का मूक गवाह है। इसके चारों ओर अतिक्रमण करने वाला जंगल प्रकृति के निरंतर पुनरुद्धार के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बेलें और झाड़ियां खराब पत्थर की दीवारों के साथ जुड़ती हैं। यद्यपि परित्यक्त और उपेक्षित, मंदिर की जटिल नक्काशी और वास्तुशिल्प विवरण इतिहासकारों और जब हम मंदिर की संपत्ति का सर्वेक्षण कर रहे थे, हमने मंदिर के पिछवाड़े के पीछे जाने का निर्णय लिया। वहां हमने बाहरी दीवार की पत्थरों को पूरी तरह से टूटते हुए देखा था और कुछ उनके अवशेष खेत में थे, नीचे के बांस के नीचे दबे थे। हमने पिछवाड़े के एक पत्थरी स्लैब पाया, उसके ऊपरी भाग पर कुछ सजावट दिखाई दी थी, लेकिन निचले भाग को धरती के नीचे दबा दिया गया था, जिसे पहुंचना कठिन था। हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं था। कुछ इस तरह एक पेड़ की डाल तोड़ने और धीरे धीरे मिट्टी हटाने के बाद हम चट्टान पर एक सुंदर सजावट देख पाएंगे। समय बीत रहा था और शाम हो रही थी। हमें घर वापस जाना था और आने वाले दिन के वेतन का व्यवस्था करनी थी, इसलिए हम इस नजरबंद से घर लौट गए। अगर मुझे समय मिलता है तो फिर से अन्निगेरी जाऊंगा। यहां हम अन्निगेरी क्षेत्र में पाए गए कुछ पत्थर शिलालेख प्रदान कर रहे हैं, जो इपिग्राफिया कर्नाट में दर्ज किए गए हैं। 1. हनुमंत देव मंदिर में स्थापित एक पत्थर समेटें, दक्षिण भारतीय शिलालेखों वॉल्यूम कंज। इस रिकॉर्ड की तिथि कालचुरी राजा बीजला के द्वितीय शासन के समय दी जाती है, जो 1157 संवत्सर को समयानुहार करती है। यह दर्ज करता है कि बेलवाला नाडू के प्रमंत्री अधिकारियों के साथ दानदानायक श्रीधरय्य ने इस भूमि की देवता धोरेश्वर को उपासना और मरम्मत के लिए आदिगेरे के गोद दक्षिण वाराणसी के रूप में झांत किया गया था। इस प्रतिलिपि में दाता के परिवार का संक्षिप्त विवरण दिया गया है और आदिगेरे को बेलवाला के राजधानी नगर, मुख्य नगर के रूप में वर्णित किया गया है। 2. अमृतेश्वर मंदिर के प्रकार में स्थापित एक पत्थर पर दक्षिण भारतीय शिलालेखों वॉल्यूम कंज। इसकी तिथि कालचुरी राजा बीजला के पांचवें शासन वर्ष के समय की गई है, जो 1161 संवत्सर को समयानुहार करती है। वह भुजबल चक्रावर्ती और महामंडलेश्वर के रूप में प्रशंसित होने वाले बीजला का उल्लेख करता है। यह पंचम शासन वर्ष कालचुरी राजा बीजला के सॉरेस्पॉन्डिंग।
Thank you.